शहर के उफक पर एक बार फिर गहरे बादलों का राज, तेज सर्द हवाएं, सर्दी ने फिर अपना आप दिखा दिया। गरज चमक के साथ बारिश भी होगी, मौसम का हाल बताने वालों ने बता दिया। जमानत पर रिहाई के बाद शहबाज शरीफ की आज फिर एहतसाब अदालत में पेशी। आशियाना इकबाल स्कैंडल में साबिक वज़ीर-ए-आला समेत दीगर मुल्ज़िमान पर पर्दे जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। शहबाज शरीफ की वकला से मुशावरत मुकम्मल, पेश होंगे एहतसाब अदालत में। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर लिए गए। गजुमता से भट्टा मालिक का 4 साल मखवी बच्चा बाजिया। मुलजिमों ने शुएब को एक दरबार में रखा था। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने छापा मारकर 3 मुलजिम अब्दुल्ला, आदिल और फरूख को गिरफ्तार कर लिया। तीनों मुलजिम बच्चे के मोहल्लेदार। पुलिस ने तावान की रकम 25 लाख रुपए और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली। मनामा में रात गए शहरी के घर पर फायरिंग का मामला। अहले खाना ने कमरों में छुपकर जान बचाई। फायरिंग से बिजली की तारें और खिड़कियों के शीशे टूट गए। लाहौर न्यूज ने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। 10 साल के बच्चे को भी पोलियो कतरे पिलाना लाजिम। पोलियो का केस सामने आने पर पंजाब हुकूमत के हंगामी इकदाम। डीजी हेल्थ पंजाब से पोलियो प्रोग्राम की जिम्मेदारियां वापस लेने का फैसला। पोलियो प्रोग्राम के लिए अलग से सूबाई सरबरा मुकर्रर करने की मंजूरी। आज से शहर में दोबारा पोलियो मुहिम शुरू। वज़ीर-ए-आला पंजाब खुद बच्चों को कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब कहते हैं सिर्फ इजलास करके बातों से काम नहीं चलेगा, पोलियो से मुतालिक इकदाम की खुद मॉनिटरिंग करूंगा। मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, सख्त फैसले करना पड़ेंगे। मईशत को दुरुस्त सम्त में ले जा रहे हैं। मईशत को हमेशा के लिए ठीक करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। IMF की शराइत पर हमारे कुछ तहफ़ुज़ात हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू हमाद असर की मीडिया से गुफ्तगू। शहर को फूलों और रंग बिरंगी रोशनियों से सजाने का प्लान। मेले, ठेले, आतिशबाजी, म्यूजिकल शो, बर्ड शो, किट फ्लावर और मैराथन मुकाबले। जश्न बहारा की तैयारियां। जिला इंतजामिया ने शेड्यूल जारी कर दिया। 17 फरवरी से 28 मार्च तक फेस्टिवल के प्रोग्राम फाइनल।